Lisa Trento da Rádio! So guys, अभी टाइम हुआ है सुबह का 2:55 AM हो गया है सुबह का, और आज जो डेट है 19th of November, तो अभी मैं जा रहा हूँ राइड पे, छोटा सा राइड पे, और वो राइड रहेगा टाइगर हिल तक, दार्जिलिंग टाइगर हिल तक गाइस। तो मिलते हैं डायरेक्टली ऑन द रोड। तो गाइस लेट्स बिगिन द राइड। और हाँ गाइस, आज मैं लेके जा रहा हूँ NH 160, जो कि मैंने स्कूटी यहीं पर छोड़ दिया है, और NH 60 लेके जा रहा हूँ, इसीलिए पूरा एकदम राइडिंग गियर्स वगैरह पहना हूँ गाइस। तो मिलते हैं एक बार में ऑन द रोड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोहिणी। सो गाइस, अभी हम लोग रोहिणी आ चुके हैं। तो एक्चुअली थोड़ा डिले हुआ है राइड में, करीबन 10-15 मिनट, लेकिन फिर भी हम लोग कवर कर लेंगे रास्ते पे। तो अभी रोहिणी गेट पार किए हम लोग, टोल गेट है जो, हम लोग थोड़ा लेट है, लेकिन गाइस अभी ये जो करशंग से सुनादा का रोड है, उस रोड में हम लोग थोड़ा कवर कर लेंगे, और उसके बाद में फिर सनराइज का मज़ा लेते हैं गाइस। तो ये रहा करशंग, और जो लाइटिंग वगैरह दिख रहा है आपको, करशंग रेलवे स्टेशन है ये, आप देख सकते हैं, ये करशंग रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से सीधा जाए तो आप पंखाबारी होते हुए दुधिया निकल सकते हैं, और यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो दार्जिलिंग की तरफ। और गाइस ये वन वे है, अरे टाइगर हिल कौन सा ये बट है, सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं टाइगर हिल के लिए, और रास्ता जो है थोड़ा ख़राब है, हम लोग को मैनेज करके चलना पड़ेगा। काफ़ी ख़राब रास्ता है गाइस, धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी टू व्हीलर है उसका टिकट करना पड़ता है, टू व्हीलर में जितना जो भी आते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेरा और भाई का टिकट ले लिया। तो यहाँ से 4 किलोमीटर है गाइस टाइगर हिल, और अभी जो है 5:10 AM हो गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टाइगर हिल पॉइंट। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ टाइगर हिल में, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, जगह भी नहीं मिल रहा था, जैसे कैसे एडजस्ट कर लिया गाइस। और थोड़ी देर बाद में सनराइज़ होने जा रहा है, तो मैं व्यूज़ आप लोग को दिखाऊँगा, बने रहिए इस ब्लॉग पर। और यहाँ पर वेट कर रहे हैं सनराइज़ के, वैसे तो सनराइज़ का टाइमिंग जो बताया गया है लाइक 5:45 है, तो थोड़ी देर बाद में सनराइज होगा, उसका भी व्यू मैं आप लोग को दिखाऊंगा। हाँ ये भाई तेला एकदम कैप्चर करा है। Thank you.
बादलले गर्दा पुरा हाउडी देख्यो केही देख्दैन यो तो दोस्तों आपने देख लिया होगा ये इस वीडियो में सनराइज़ का पूरा व्यूज़। तो आप लोग को कैसा लगा ये सनराइज़ का व्यूज़ आप बताइए मुझे कमेंट करके। और यहाँ पे अभी खाली हो गया है, थोड़ी देर बाद में आप लोग को कंचनजंगा भी मैं दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ का सनराइज़ का प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से कंचनजंगा भी काफ़ी बढ़िया से दिख रहा है। आप देख सकते हैं उस साइड में अभी तो थोड़ा फॉगी लगा हुआ होगा तो इसलिए आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन उस साइड में कंचनजंगा काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे और यहाँ का जो व्यूज़ जो है काफ़ी बढ़िया रहा। गाइस अभी मेरे को एक ग्रुप मिला डॉक्टर लोग का ग्रुप जो कि कर्नाटक हाँ JNM कॉलेज से है, तो ये लोग कुछ बोलना चाहता है मेरे चैनल के लिए। मजे कीजिए गैंगटॉक का, ठीक है बाय। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से टाइगर हिल से, फोटो वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, फोटो सेशन वगैरह वीडियो सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं रास्ते में गाइस। तो गाइस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अभी। सो गाइस अभी हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, घूमने पर ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं छोले भटूरे और काफ़ी ताज़ा मतलब गरम गरम लग रहा है छूने में। तो गाइस अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करके चलते हैं फिर। हमारा मेन आज का हमारा मेन मकसद जो था गाइस टाइगर हिल के लिए तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर दूसरा अगर हम लोग दूसरा सिक्किम जाते हैं तो वाले जो ब्लॉग है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा गाइस। गाइस मैं अभी आया हूँ लामाहटा इको पार्क में। अभी यहाँ से हम लोग जोरबंगला से इधर आए थे, करीबन आधा से लेके पौना घंटा लगा। और अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लामाहटा इको पार्क है जो कि काफ़ी खूबसूरत, यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह है, गार्डन है, छोटा सा एक गार्डन है जो कि। और ये जो ऊपर देखिए ये पेड़ वगैरह है उसके उधर पे एक ग्राउंड है बोल रहे हैं, वहाँ पर पिकनिक के लिए काफ़ी अच्छा रहता है गाइस। तो अभी यहाँ से मैं डायरेक्ट जाऊँगा टिस्टा और उसके बाद में जाऊँगा सिलगुड़ी या तो सिक्किम। तो चलते रास्ते पे मिलते हैं गाइस। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं लामाहटा से, लामाहटा इको पार्क, थोड़ा हम लोग फ़ोटो वगैरह लिए, वहाँ पर अंदर नहीं घुसे क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास। और अभी प्लान है कि टिस्टा यहाँ से टिस्टा 15 किलोमीटर है और यहाँ से हम लोग जाएंगे टिस्टा की ओर और उसके बाद में प्लान करेंगे सिक्किम जाएंगे या सिलगुड़ी जाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉक पे। यहाँ पर टिस्टा नदी है, काफ़ी गहरा है ये गाइस, ये टिस्टा नदी जो है काफ़ी गहरा है और यहाँ से जो मतलब नदी का जो पानी का कलर जो है पूरा ग्रीन ही इफेक्ट है, लेकिन वहाँ पर जाके पता चलेगा कि क्या कलर का है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं टिस्टा बाजार पार करते हुए टिस्टा ब्रिज पे। मेरे पीछे टिस्टा नदी है जो आप देख सकते हैं, ये है टिस्टा नदी और इस तरफ जो है टिस्टा ब्रिज जो कि ये है टिस्टा ब्रिज। और ये जो रास्ता जा रहा है गाइस ये टिस्टा ब्रिज होते हुए जा रहा है, वहाँ से थोड़ा आगे से जाके कलिम्पोंग और सिक्किम का रूट अदला बदला हो जाएगा। डायरेक्ट जाएंगे तो सिक्किम की ओर और राइट साइड लेंगे तो कलिम्पोंग की तरफ जाएगा। और जो ये रास्ता जो जा रहा है हमारे ये रास्ता हम लोग को सिलगुड़ी जाना है, वो ब्रिज से वो उस तरफ भी जाएंगे जा सकते हैं हम लोग, अंडर ब्रिज होके थोड़ा ऊपर आके फिर उसके बाद में सिलगुड़ी की तरफ बढ़ जाएंगे गाइस। अभी चलते बढ़ते सिलगुड़ी की तरफ और मिलते हैं रास्ते पे। करीबन 2 किलोमीटर हो चुका है गाइस, ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है इतना लंबा ट्रैफिक। और ये टू व्हीलर चलाने का फ़ायदा यही है गाइस कि आपको ट्रैफिक उतना नहीं होता है, अगर होता है तो भी जल्दी आप
निकल पाएंगे ट्रैफिक से। গাছটা পড়ে গেছে নাকি? ও হো হো। তো গাইস অভি অভি কা সিন ইয়ে হ্যায় কি হম লোগ আ রহে থে ইস রাস্তে সে জো কি সিকিম আর দার্জিলিং সে ভি আতে হ্যায় ইয়ে রুট। তো ইয়ে রুট সে আ রহে থে লেকিন ইয়ে হুয়া ক্যা, সিলিগুড়ি জানে ওয়ালা রুট ইয়ে হ্যায়। তো আগে মে সেবক জঙ্গল মে শায়দ জঙ্গল মে ফরেস্ট মে অ্যাক্সিডেন্ট হো গয়া হ্যায়, ট্রাক পলটি খা গয়ে বোল রহে। তো পুরা রাস্তা ব্লক হ্যায় और हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि ओतलाबाड़ी, दैट मीन्स ये रास्ता से जाने से करीबन मोटा मोटी एक घंटा ज़्यादा पड़ता है। तो अभी थोड़ी देर बाद में हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो बने रहिए ब्लॉक पे, अभी हम लोग की खुद ब्लॉक हो चुकी है, यहाँ पर ब्लॉक करते करते ब्लॉक हो चुके हैं। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, और तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही में बेल वाले आइकन को भी दबाना ना भूले। गाइस जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।